हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज आपके टॉप 10 क्लासेस के द्वारा जो क्रैश कोर्स चलाए जा रहे थे, उस क्रैश कोर्स के में आज आपका कक्षा 10 का जो सेकेंड यूनिट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, उसके बारे में विशेष जानकारी दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, चूँकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप इनको एक बार जो है जरूर जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए, आप लोगों के टाइम को नुकसान ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और उम्मीद करते होंगे, आशा करते होंगे कि आपको वीडियो आज का पसंद भी आएगा और आप अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा को इसके बाद जानेंगे। पहले जान लेते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या बना लेंगे, विद्युत आवेश। क्या बनाएंगे, विद्युत आवेश। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे आपको एक चीज तो जरूर पता होगा, संसार में जितने पदार्थ उपस्थित हैं, हर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं प्यारे बच्चों। तो आइए एक पदार्थ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। ये पदार्थ ले लिए, ये पदार्थ मान लिए ए, मान लिए क्या मान लिए प्यारे बच्चों, ए। कोई पदार्थ ए हो गया, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मान लेते हैं जैसे कि इनमें 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 प्रोटॉन था। ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन उदासीन है, उससे हमसे लेना देना नहीं है। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, किसी दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, या तो कमी हो जाए, या तो निकल जाए, या तो कहीं बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण इस पदार्थ पे एक गुण उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण यह छोटे छोटे टुकड़ों जिसके कारण यह छोटी छोटी टुकड़ों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आप क्या बता सकते हो, जैसे हमने बताया कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाए, प्रोटॉन अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। डियर स्टूडेंट फिर से एक बार समझिएगा, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण इस पदार्थ पे आया गुण, इस पदार्थ पे जो गुण उत्पन्न होता है, वह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जय स्टूडेंट, इसे किससे व्यक्त करते हैं, नोट पॉइंट, इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, क्यू से व्यक्त करते हैं, ये नोट करने वाली पॉइंट है प्यारे बच्चों। अगला, इसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आप लिख सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट और क्या, यदि हम मान लें यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है,
यह दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, यह दो प्रकार का होता है, का होता है। पहला कौन होता है प्यारे बच्चों? पहला होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश, धनावेश। और दूसरा डियर स्टूडेंट क्या होता है? दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनावेश, दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। डियर स्टूडेंट धनावेश क्या होते हैं और ऋणावेश क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों जिन पदार्थों में से, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था प्यारे बच्चों कि जिन पदार्थों में से, क्या ये कोई पदार्थ हो गया ए हो गया, ये कोई पदार्थ क्या हो गया बी हो गए, ध्यान से समझिएगा। इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन थे, इनमें तीन इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटॉन थे। अब इन पदार्थों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया और इस पे आ गया प्यारे बच्चों, तो ये तीन के बजाय कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। और यहाँ दो, एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन पदार्थ पे धनावेश हो जाता है, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऋणावेश कहलाते हैं। यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि जिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही ऋणावेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्या कहलाते हैं? धनावेश कहलाते हैं। तो इनको परिभाषित करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, कमी ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। और अगर ऋणावेश में लिखना हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, या इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, अधिकता हो जाए, तो आपके क्या कहलाते हैं? ऋणावेश कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब आइएगा आगे जानते हैं, यदि किसी पदार्थ में क्या माना जाए प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या नोट करने वाली बात है? यदि, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? एन हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? एन हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो प्यारे बच्चों? संख्या एन हो, ठीक, एन हो। तो पदार्थ में, पदार्थ में आवेश की मात्रा, तो पदार्थ में आवेश की मात्रा, तो प्यारे बच्चों पदार्थ में आवेश की मात्रा कौन है? क्यू। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, n गुणे इलेक्ट्रॉन, n e आ जाएंगे प्यारे बच्चों। q बराबर क्या आ गया? n e। जहां n क्या है? जहां n क्या है प्यारे बच्चों? जहां n जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e खुद इलेक्ट्रॉन है जिसका मान 1.6 गुणे 10^-19 कूलम होता है। डियर स्टूडेंट ये फार्मूला, ये जो फार्मूला मिला है, जो ये सूत्र मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है प्यारे बच्चों। आप इसको गौर से अच्छे तरीके से याद करिएगा, और इस पर जरूर आपको जो है एक दो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। बोर्ड के पेपर के दृष्टि से ये फार्मूला, ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और कुछ इनकी जान लेते हैं, जो आपके आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो इनका जो प्रॉपर्टी होता है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा विद्युत आवेश के बारे में, उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कहीं किसी भी वर्ड में आपको दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको जो ना आया हो उसको जरूर बताया जाए डियर स्टूडेंट। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इस फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल का अभ्यास कर लेते हैं कि जिससे हमारे जो डियर स्टूडेंट हैं उनकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो जाए प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए कुछ सवाल का हम लोग क्या करते हैं? अभ्यास कर लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर एक अभ्यास के लिए है, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और आपको जो है पूछा गया है कितने नंबर का है प्यारे बच्चों, कहाँ गया भाई, हाँ आपको दो नंबर के क्वेश्चन पूछे गए प्यारे बच्चों और 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। ठीक, अब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो पूछा है। डियर स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला बताया था। सबसे पहले देखिए आपके सामने समस्या क्या आती है बच्चों, कि आप पहचान नहीं पाते दिया क्या है। तो देखो पहचानोगे कहाँ से, कूलाम है, कूलाम किसका मात्रक होता है, अभी आपने पढ़ क्या है, आवेश का मात्रक होता है, यानी क्यू बराबर आपको दे दिया गया एक कूलाम। आया बात समझ में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या अभी हमने बताया n से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, और n ज्ञात करना है तो आप e पर जानते हैं e इलेक्ट्रॉन होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। अब आपको n ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो आपने फार्मूला पढ़ा था q बराबर n e, q बराबर n e, यहाँ से n ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों q का मान आप रख सकते हैं, q का मान कितना है, एक है, n का मान निकालना है, e का मान पता है 1.6×10⁻¹⁹। ये चीज़ सब इधर भाग में हो जाएंगे तो 1/2 क्या आ जाएंगे, 1.6×10⁻¹⁹ बराबर n आ गया। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो दशमलव है, ये दशमलव काटोगे तो 10 यहाँ लगा दोगे प्यारे बच्चों, और ये 10⁻¹⁹ ऊपर चला जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, 10/16×10⁻¹⁹ क्या आ गए, +19, ये ऊपर गए +19 हो गए, 5 × 10 8 × 16 प्यारे बच्चों, इनको आप भाग दोगे तो 0.625 आएगा, कितना आएगा 0.625×10⁻¹⁹। ये पॉइंट एक अंक उधर लेके चले जाइए प्यारे बच्चों, ये n का मान है, तो एक अंक उधर लेके चले जाएंगे तो 6.25×1 गए तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगा 10⁻¹⁸, लगभग इतने आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों आपके। आप आंसर मैच करा सकते हैं जी, बिल्कुल प्यारे बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा यानी एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और आप इस पे अभ्यास जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में कई बार इस पे पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट, तो आप इसको जरा सा इसके साथ मस्ती मत कीजिएगा। चलिए एक दो सवाल, एक आध सवाल और देख लेते हैं प्यारे बच्चे। दूसरे क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, क्या कर रहा है, किसी चालक का दूसरा नंबर, किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8×10⁻¹⁹ कूलाम है, 8×10⁻¹⁹ कूलाम है, ठीक, 19 कूलाम ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इस पर प्यारे बच्चों इसका मतलब समझ लीजिएगा, ऋणात्मक का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो इस पर कितने अधिक तो होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये 2014 में पूछा गया है आपके बोर्ड पेपर में। तो प्यारे बच्चों फिर से आइए हम लोग अभ्यास करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किसी चालक का कुल आवेश, आवेश यानी Q दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, Q बराबर 8×10⁻¹⁹ कूलाम है, उसकी बात करा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी यानी n पूछा है, और E बराबर अभी आपने पढ़ा 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर एन ई, Q का मान आप रख सकते हो प्यारे बच्चों, Q का मान क्या है 8×10⁻¹⁹, N आपको ज्ञात करना है, E का मान है 1.6×10⁻¹⁹, इक्वल है ये दोनों, बराबर की उधर कट जाएंगे प्यारे बच्चों, ये 16 इधर आएगा तो 8/2 क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 1.6 बराबर n, तो ये पॉइंट काटे ऊपर 0 लगा दिए,
क्या बच्चा 80 बटे 16, प्यारे बच्चे 16 इक्के 16, 16 पंचे 80, यानी यन बराबर कितने आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे प्यारे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इस फार्मूले पे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अभ्यास हो गए होंगे और आपका ये जो आज लास्ट ये अभ्यास है पेपर में आपको जरूर काम देगा प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। आप अभ्यास कीजिएगा और आपके इस YouTube चैनल पर, प्यारे से YouTube चैनल पर एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया गया, अभी कई मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे डियर स्टूडेंट, और मॉडल पेपर जो सॉल्व कराया गया है उस मॉडल पेपर को आप ज़रूर एक बार देखिएगा प्यारे बच्चों, उससे आपको कुछ आधार मिल जाएंगे कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब आपकी जो अगली हेडिंग है वो चैप्टर का नाम ही दे दिया है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों, जिसको आप लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अभी आपने आवेश जाना ना, अब ये जो आवेश होगा वो अगर गतिशील हो जाए प्यारे बच्चों, कब होगा ये जो आवेश है ना, वो जो एक स्थान एक पदार्थ पे था बेचारा, वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम जाए, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना स्टार्ट करे, तो भाई साहब चलने में समय लगाएगा, तो समय के साथ इसके मान में परिवर्तन, समय के साथ अब आवेश चल रहा है तो हम लोग चलते हैं तो हम लोग को चलना कहते हैं, जब आवेश चलता है तो आवेश चलता नहीं, आवेश का फ्लो होता है, आवेश प्रवाह होता है, आवेश का चलना मतलब आवेश का प्रवाह। तो यानी आवेश के प्रवाह दर को, आवेश के प्रवाह दर, दर का मतलब समय, यानी समय के साथ आवेश कितना प्रवाह हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? बताएंगे विद्युत धारा की डिफिनीशन क्या होगी प्यारे बच्चों? आवेश के, आवेश के प्रवाह दर को, क्या? आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं डियर स्टूडेंट, हो गए विद्युत धारा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यदि मान लेते हैं, यदि माना किसी क्षण टी समय में, यदि किसी समय टी में, किसी क्षण टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, ठीक, तो तब बहने वाली धारा, तो प्यारे बच्चों तब बहने वाली धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? इसे आई से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, बहने वाली धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? फ्लो होने वाला आवेश की मात्रा, आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय, आवेश बटे समय, आवेश को क्यू से, समय को टी से, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्रवाहित धारा आई इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। इसी को हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर क्यू का मान निकालना हुआ तो या क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो यह एक अदिश राशि होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों? यह एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, यह एक अदिश राशि होती है, ठीक डियर स्टूडेंट, यह एक अदिश राशि होती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, इसे किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, ये। फिर अगला चीज प्यारे बच्चों, अगला क्या है? इसका मात्रक, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक, ध्यान से समझिएगा, कहीं भूल गए तो, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति क्या? सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, या एम्पियर भी होता है, या करके क्या लिख देंगे, या इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है,
इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर भी होता है, एम्पियर भी होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? या तो ये भी पूछ लेता है, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ये क्वेश्चन नहीं करके आते, उनको लगता है बहुत हार्ड है। आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप इस एक एम्पियर धारा को चुटकियों में परिभाषित कर लोगे। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कैसे। अरे बोले हैं बताने के लिए, बताएंगे ही बताएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है, क्या बताने वाले हैं। आइए आप देख रहे हैं आई इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन टी है। आई इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन टी। हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। प्यारे बच्चों आपको इसी आई का मान एक एम्पियर चाहिए, इस आई का मान एक एम्पियर चाहिए, और आई का मान एक एम्पियर तब आएगा जब क्यू बराबर क्या हो जाए? एक हो जाए। जब क्यू बराबर क्या हो जाए? एक कूलम हो जाए, और तथा टी बराबर क्या हो जाए? एक सेकंड हो जाए। इस बात को जरा सा समझो, हमने क्या कहा? यदि क्यू बराबर भी एक कूलम हो जाए, टी बराबर भी एक सेकंड हो जाए, तब आई जो होगी वो एक एम्पियर होगी। अरे अब कहोगे सर हम कैसे ऐसे बता दें इसको, कैसे आपने बोल दिया मान लेते हैं। अरे भाई साहब आपने क्या कहा, हमने क्या कहा वो आप सुनिए। यदि हमको आई का मान एक चाहिए, जिद करके बैठे हैं कि आई का मान मुझे एक एम्पियर चाहिए, आई का मान एक एम्पियर तब होगा जब क्यू का मान एक कूलम हो और टी का मान एक सेकंड हो। यानी एक सेकंड में यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है। समझ में आया हमने क्या बताया? यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में बबुआ एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आ गई यार, चलो लिखो। यदि एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो, एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप एक एम्पियर धारा को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने बता दिया प्यारे बच्चों, अब आप चुटकियों में इसको परिभाषित कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आज आपका ये जो विद्युत धारा है वो टॉपिक समाप्त हो जाते हैं प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। विद्युत विभव जिसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आते हैं विद्युत विभव समझते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। जैसे दो हेडिंग आपने चुटकियों में खेल में सीख लिया ना, वैसे ही ये भी हेडिंग आप खेल में ही सीखोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। देखते रहिए आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, किस चिड़िया का नाम विद्युत विभव होता है, आइए जानते हैं प्यारे बच्चों। आप कुछ मत करिएगा, केवल एक समझिएगा, इधर समझिए क्या होते हैं। आप एक आवेश हो गया, एक परीक्षण आवेश हो गया, जो कल्पना किया जाता है, केवल कल्पना किया जाता है, जो कि हमेशा धनावेश होता है, ध्यान समझिएगा। ये कहाँ पर था? अनंत पर था। कोई भी दूरी हो गई, कोई निश्चित दूरी नहीं पता था, अनंत दूरी पर स्थित था। अब अनंत दूरी पर स्थित था, अब इस आवेश को ये मान लिए कोई क्यू आवेश था, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र कहलाया वो क्या कहलाया? विद्युत क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया? विद्युत क्षेत्र। अब कहोगे सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले वो बताए नहीं, चल दिए बता दिए विद्युत क्षेत्र।
अरे विद्युत क्षेत्र का होता है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का क्या करे, अनुभव करे। जैसे हमारा क्षेत्र क्या है, हमारे हाथ का क्षेत्र क्या है भाई साहब, जहाँ तक हाथ पहुँच रहे हैं ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इसके बीच में आप आओगे तो इस हाथ के द्वारा आपके ऊपर एक बल का अनुभव किया जाएगा, यानी एक झापड़ पड़ जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे इसके अंदर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा ना तो ये क्या करेगा, या तो खींच लेगा, पड़ोसी वाला रहेगा तो क्या करेगा, भाई साहब आ जाओ बुला लो, आ जाओ आओ जल्दी से। और अगर भाई विपरीत घर के कई पाकिस्तानी वाले मिल गए तो उठा के फेंक देंगे, भागो यहाँ से, इंडिया वाले तो आओ प्रवेश है, और पाकिस्तान वाले मिल गए तो जा। तो वही होता है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की कहानी मुझे नहीं पढ़नी है, हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं विद्युत विभव। अब समझिए कहानी अब शुरुआत होती है विद्युत विभव की, क्या होती है। अब देखिए अनंत से कहाँ से, जो लोग इनको ना जानते हो इनके चिन्हान को, जिसको क्या कहते हैं अनंत कहते हैं। अब अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आने में, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अपने मन में सोचो कि इसको अनंत से उठाए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या बताया भाई साहब, ये यही मान लो आवेश हो गए, क्या हो गए आवेश हो गए, इसको अनंत से उठाए, उठा के लेके आए यहाँ से, ऐसे 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 लेके आए यहाँ पर रख दिए, तो इसको ले आने में कुछ कार्य करेंगे तो वो कार्य मान लिए W, तो किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाएगा इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। ये बिंदु आप यहाँ ला के रख दोगे तो और कार्य करना पड़ेगा, तो वो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्यारे बच्चों परिभाषित कर लेते हैं कि विद्युत विभव को क्या कहते हैं। लिखे प्यारे बच्चों, क्या लिखे, चलो लिखो, कहाँ से लाए थे, अनंत से, कहाँ से, अनंत से एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश को ना विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। आज हम लोग जान गए, आप भी जान गए विद्युत विभव का होता है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, विद्युत विभव कहलाया गया, क्या हुआ, हमने जान लिए कहानी प्यारे बच्चों। आज के बाद नहीं भूलेंगे, न तो इसको भूलोगे न तो हमको भूलोगे, न तो हमारे इस प्यारे और आप लोग के प्यारे इस यूट्यूब चैनल को मत भूलिएगा। चलिए अब बात आती है कि इसको गणितीय व्यंजक में लिखा जाए। तो प्यारे बच्चों क्या है, यदि हम मान लेते हैं अनंत से उसको उठाते हैं, अनंत से उठाने में ले आने में किया गया कार्य W है, तो विद्युत विभव वी बराबर, इसे वी से व्यक्त करते, किससे व्यक्त करते प्यारे बच्चों, वी बराबर किया गया कार्य कार्य क्या है प्यारे बच्चों, W है, और बटे क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, V बराबर हो गया W बटे क्यू नॉट, यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है। वो कहा गया सर, क्या कहलाता है, विद्युत विभव, ब्लैक कलर का मार कर हुआ, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है, ये कौन सी राशि है, पता करो ये कौन सी राशि है, इसको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती,
चाहे जिधर उठाओ चाहे जिधर लेके जाओ प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो चलो ये नोट करने वाली पॉइंट है, यह कौन सी राशि है? यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ये तो पता चल गया। अब इसका मात्रक का होता है? अरे कार्य का मात्रक होता है जूल, ये तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था। और इसका मात्रक होता है कूलम। तो यानी क्या हो गए? मात्रक क्या हो गए? इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। या क्या होता है जानते हैं? या बोल्ट भी होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। अब फिर से समस्या आ गई कि एक बोल्ट विभव का होता है। क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में, एक बोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? अरे अभी हमने एक ट्रिक बताया था, क्या है? यदि का हो जाए, मुझे बी का मान एक बोल्ट चाहिए चाहे जैसे चाहिए। अरे भाई साहब तब मिलेगा जब का हो जाए क्यू का मान एक हो जाए डब्लू का मान एक हो जाए। समझिएगा, यदि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को ले आने में, अनंत से ले आने में अगर हमको एक जूल का कार्य करना पड़े, कितने जूल का? एक जूल का कार्य करना पड़े, तो वो जो विभव होगा उस समय जो विभव होगा वो क्या कहलाएगा? एक वोल्ट कहलाता है। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? यदि क्यू का मान क्या हो जाए? एक कूलम हो, क्यू बराबर एक हो तथा W बराबर भी एक जूल हो जाए, W बराबर एक जूल हो जाए, तो उस समय का विभव एक वोल्ट होता है। तो लिखेंगे यदि एक कूलम आवेश को ले आने में एक जूल का कार्य करना पड़े, एक जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव एक वोल्ट होता है, एक वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार विद्युत विभव की भी कहानी समाप्त हुई है। आपको भूलना नहीं है, जब तक पेपर ना हो जाए जब तक हम लोग इसको टारगेट टू 80-90% ना ला दे प्यारे बच्चों। तो आइए अब इसका जुड़वा भाई जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर के बारे में जान लेते हैं। विद्युत विभवांतर क्या? विद्युत विभवांतर प्यारे बच्चों इसको भी इधर समझिएगा। अब क्या हुई? अब अनंत से नहीं लाना है। इस बार क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब क्या होगा? अब आप जो आवेश को उठाओगे ना विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु ए से उठाओगे, किसी एक बिंदु तक ले आओगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर से समझो, हो सकता नहीं आया हो तब, कैसे नहीं आएगा प्यारे बच्चों? आइए, हमने क्या कहा? ये विद्युत क्षेत्र है, मान रहे नहीं मान रहे? तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ए से बी तक ले आने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। मात्रक सेम टू सेम डिट्टो वाला वही है जो विद्युत विभव का है। समझे? यह केवल का होती है, आप ध्यान से समझिएगा। केवल वो अनंत से लाते हैं, इनको कहाँ से लाते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर ही लाते हैं। आइए लिख लेते हैं, लिखते हैं विद्युत क्षेत्र के
भीतर एकांक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही इन बिंदुओं के बीच का, उन बिंदुओं के बीच का, उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इस पे जो विभव था वी ए था, इस पे जो विभव था वी बी था। प्यारे बच्चों, अब इन दोनों के बीच का विभवांतर वी बी माइनस वी ए, जहां ले जा रहे हो ए से बी ले जा रहे हो ना, तो इस पे विभव ज्यादा होगा, तो वी बी माइनस वी ए, किया गया कार्य क्या है? डब्लू है। और किसको ले जा रहे हो? आवेश को। तो ये आ गए प्यारे बच्चों। और इसका जो मात्रक होता है वही होता है, मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या क्या होता है? वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार वैद्युत विभवांतर भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया प्यारे बच्चों।